What a fantastic Bible. We live in a world which is changing continuously and relentlessly. हम सब एक ऐसी नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी पर ताला नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से गिरा होगा और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक स्टूडियो 60x60 के स्टूडियो में बना देगा जहां आपने इमेजेस देखें, ट्रेन है, चलती है, स्टेशन हैं, दोस्त हैं, लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में बने हैं जहां पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे उसका कॉस्ट क्या है, कितना बड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थी ये रईसों की जागीर थी, बड़े लोगों की जागीर थी जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट डेवलपर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब इसराइल की शूटिंग पर टिम कुक आए थे एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड, नाउ यू कैन मेक मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, कंज्यूम मूवीज ऑन दिस, एनीबडी हु हैज आइडियाज कैन नाउ मेक अ मूवी एंड रीच पीपल। आज आप हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने और सचिन भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी तीन पहिये जोड़ता है। उन्होंने आके तीन पहिये जोड़े हैं और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचेल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे, हेवी इक्विपमेंट लेकर पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज। हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, ओडिया फिल्म इंडस्ट्री हो, उनके कोने कोने से जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है और जिसने जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों मगर पैसे नहीं है, वो आए हमारे पास। ओटीटी का कंटेंट क्रिएट करना है आप, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आप, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे हम जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे, ऐसे में बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से इसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया पर एक्सप्लोर किया। इसके जुदा होके भी हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है, एंड हिंदुस्तान की आवाम ने इसको सराहा है। कोई मजाक है बोलने के साथ ये अनरियल इंजन का ये शॉट जो है अनरियल है। आपके मतभेद हो सकते हैं कॉन्टेंट को लेकर, बहुत पिक्चर के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये देखती ही नहीं बोलता कि ये
लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम वो 60x60 के सेट से भारी नहीं है। ये अपने आप में एक रहस्य है। ऐसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से, अपने पति से, अपनी पत्नी से बात सकते थे। टेक्नोलॉजी इज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times, and there are few things which I would like to say is that हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सुजीत भाई जो ग्रासरूट से वाकिफ हैं वो कहते हैं कि साहब पट साहब कल तक अगर वो दो महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है। तो बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है, द इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे हुए प्राइम ऑफ एज, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहां कैप्चर करके भेजें, हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पावर्टी से सारे विश्व में सब के सब, पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस, सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये बच्चा आया, उसने मुझे आके उसने समझाया, भट साहब कहानियां तो एक जरिया होती है लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया, उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए, एक विराट स्वरूप दिखाया। मैंने कहा कि 9000 सिनेमा हॉल्स को टारगेट करें, विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं, हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्टुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें? कहीं पर जरूरत ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन ने के अंदर जरूरत पैदा हुई है, और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, दी स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि 40% कॉस्ट कम कर देगा, 40% बहुत पैसा होगा। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास तो बड़ा स्टार है, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आप तू अपना कंसेप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माय कंट्री, द लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि जो रोशनी राजा पे चमकती है वो भिखारी की लिमिट वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जो फायदा होता है तो सबको होता है, इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं ये अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे 9000 के सिनेमा तक हॉल से हम सीमित नहीं रखेंगे, कहना हमारा 1.5 लाख, तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स, नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं, और हम अगर चेंज अवर्स हो, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम झूक जाएंगे। ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है। कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हमने जब अपनी जिंदगी में मुड़ के देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और ऐसा लगा कि गिरा, और गिरते गिरते पंख इसके निकल आया और ये उड़ रहा है।
और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन प्रोवाइड द एंटायर फंडामेंटल ऑल द स्किल्स दैट वी हैव मास्टर्ड जुदा हो के भी हमने जो स्किल्स हमने लर्न की हमने भी पेड वेरी हैवी ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता वो सारी लर्निंग एक्सपीरियंस अवेलेबल टू द इंडस्ट्री क्योंकि क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो रोशनी नहीं उसका फायदा आपके घर में भी आपके घर में भी स्पिल होती है सो दिस इज व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट एंड आई फील दैट the virtual technology is a win-win situation for everyone. And finally, I think Vikram is telling me I have covered it because he wrote down his points to me that I shouldn't miss anything. मगर एक ही बात मैं कहूँगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बचता है ऐसे ही वक्त करवट देता है और बात बदल जाती है एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी सडनली एंड एवरीथिंग चेंज्ड सो वी आर ऑल हम सब इरिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस इन इट लॉन्ग We are all flowing in the river of time, which is changing relentlessly and continuously. और ऐसे में हमने entertainment के क्षेत्र में एक unreal engine और LED की technology को master किया है, मैं कहूँगा दावे के साथ में, छाती ठोक के कहूँगा master किया है, क्योंकि हम गरीब background से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम overshoot नहीं करते थे, हम shots एक्सेसिवली नहीं लेते थे हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे हमारा रॉ फुटेज वेस्ट नहीं होता था जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का एक सफर हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफर तय करके आया है और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जुर्रत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो हम विदेशियों को ले आएंगे जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के कोने कोने में उनकी जो 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 पहचान है सब सल्यूट करते हैं नारायण मूर्ति इंफोसिस की मूवमेंट 6 लोगों के नाम चुनी होती पूर्ण में दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेच के दिख रहे हैं बस आईना एक मर्तबा देख तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है सबके फायदे की बात है क्योंकि फायदा सिर्फ अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है एंड इफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम हिज लर्निंग देन इट्स अ बेटर वर्ल्ड थैंक यू वेरी मच बॉस ने कुछ छोड़ा नहीं एक्चुअली मेरे लिए लेकिन मुझे वो लाइन याद आती है गांधी फिल्म की कि जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो किसी ने कहा था कि जनरेशन को कम विल स्केस बिलीव दैट सच अ मैन इन फ्लेश एंड ब्लड एवर वॉक अपॉन दिस अर्थ तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा कि कभी ना कभी आप जरूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहां पे और आज का दिन ऐसा है जैसे बॉस ने कहा कि अंधों के शहर में आईना बेचने चले हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आंखें आ जाए क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैं एक और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूंगा बॉस तो बॉस ने कहा पहले उत्तराखंड की पिक्चर है तो वो बोरी वाली में बना रहा है मैंने कहा बॉस भी जाहिल नहीं पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है तू शॉट ले पहले दिन
में कुछ गड़बड़ हो गई, ये रेडी साला चल नहीं रहा है, फेल हो गया था। फेल हो गया, मैंने कहा गिरी भैंस पानी में, और बॉस कहे शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा? मैंने कहा आज तक कम कर देते बॉस, कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की, ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेस भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया, पहाड़ भी ले आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है ना। तो मैंने सतीश भाई से कहा सतीश भाई डीआई करके दिखा दे। तो डीआई करके देखा, लोगों ने बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये तो रिलीज नहीं होना पिक्चर में, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसे होता है ये बताइए ना। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुगा होके भी जो है ना इसको थिएटर में रिलीज कर। तो मैंने कहा कि रजीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना लोग मानेंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा, शेयर मारना पड़ता है। तो पिक्चर का बिजनेस बिजनेस भूल जाओ, यही अपना आरएनडी है, तुम लगा दो। तो इसके लिए शेयर दिल चाहिए, लगा दिया रजीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसने नहीं कहा। तो अब हमने सारे जो सारी जो इम्तिहान दे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो, कोई हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में। तो बस उसी को पंख देने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है, तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। अब तीन पहिया लगाने वाले को तीन पहिया मेरी कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का दायरा है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर दिया इस टेक्नोलॉजी के कारण, हम ग्लोबल गेम में और कैबिनेट बैठ कर हो गया बस टोल जो रखा है। 920 हमने सुना कि वो फ्रेंचाइज अनाउंस हो गई है, उसके बारे में बताएं कुछ क्या होने वाला है इस फिल्म में। 1920 मेरी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, और अभी ये जो फिल्म है वो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। अजीब बात ये है कि जब पहले पहले मेरी बेटी ने इंटरेस्ट जाहिर किया फिल्मों का और मेरे साथ आने लगी, तो वो 1920 फिल्म थी जो मैंने डायरेक्ट की थी 2008 में, और बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखती थी कि ये क्या हो रहा है, हॉरर सीन में बहुत डरती थी, और आज अभी लोगों को डराने का काम कर रही है, मुझे भी डराती है। तो स्पेशल फिल्म है, और ये हम वंस अगेन वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं शूट। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ खिलौने, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर है, बहुत बड़ी एक्शन फिल्म। और आज ये मेरा दावा है कि ये एक्शन फिल्म सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी वर्ल्ड वाइड, इसलिए हम लोग उसको फिर बजाए। तो जैसे बॉस ने कहा एक बड़ी अच्छी लाइन है, द स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन
always starts with a whisper. So please listen to the whisper today, because you are the first people to listen to this whisper. Thank you. Thank you. विक्रम सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है. जिस तरीके से आपने बताया अभी एक वर्चुअल वर्ल्ड, फर्स्टली हम ये सभी टेक्निक्स देखते थे पिक्सार, डिज्नी पिक्सार, ये सब मूवीज में ये सब टेक्निक्स, जस्ट लाइक VFX, रोटोस्कोपी, एज वेल एज न्यू ऑल दिस टेक्निक, बट नाउ यू आर ब्रिंगिंग दिस टेक्निक. सो ये कितना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आजकल की जो बॉलीवुड फिल्म है इसमें तो हम नहीं देखते हैं ये टेक्निक. आपको समझाता हूँ जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रही हैं. रोटोस्कोपी इज दिस जस्ट यू नो कार्विंग आउट इमेजेस. ये सब 2D काम चल रहा था. वर्चुअल वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है ना. अभी आप ये सोचिए कि ये जो टेबल है उस पर मैंने एक मॉडल बनाया, 3D मॉडल. एक मॉडल है जिसमें पहाड़ भी है, छोटे घर है, एक ट्रेन है, सब बनाया. और अपने इतने छोटे कैमरा से वो मॉडल के अंदर चला गया. और अब मैं अपने एक्टरों को भी इसमें ले गया. ये वो चुके, ये फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल पे नहीं है, कंप्यूटर के अंदर. तो इट इज नॉट रोटोस्कोपी, इट इज नॉट न्यू, इट इज जस्ट इंजन. I mean, it's a software. तो ये माया नहीं है, ये ब्लेंडर नहीं है, ये this is not that. This is an engine. It's not a software. And it is going to revolutionize the world. जैसे सेल फोन आया था, तो अगर आप देखें तो पहले सेल फोन से फोन करते थे, उसमें टेक्स्ट भी नहीं कर सकते. फिर टेक्स्ट आया, पहले पेजर यूज करते थे फोन के साथ, उसके बाद पेजर का बैकअप हो गया, फिर सिर्फ फोन था, फिर टेक्स्ट करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे, फिर एक ब्लैकबेरी का एक दौर चला था जहाँ पे आप ब्लैकबेरी यूज करते थे. ब्लैकबेरी वाले कहते थे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, सब व्हाट्सएप पे आ गए, ब्लैकबेरी चला गया. इसी तरह मैं आपको आई टेल यू एन एग्जाम्पल. एक दौर था जो बॉस और मैंने देखा है, जब हम एक्चुअल फिल्म पे काम करते, फिल्म को टच करके काम करते. तो एक इंसिडेंट है कि मैं और एक मेरा दोस्त था जो एक असिस्टेंट एडिटर था, जो मेरे साथ वामन गुरु के टाइम से था. तो मैंने उसको कहा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कुछ कमाल आया. तब वो बेचारा फिल्म काटता था, तो उसने देखा एक फिल्म एडिटिंग मशीन है. तो मैंने एडिटर को कहा यहाँ से यहाँ कट कर दे, तो उसने कट कर दिया. तो वो चौक के उड़ गया, बोलता वो बीच का पोर्शन किधर गया. मैंने बोला मतलब, बोला वो जो हमने काटा वो फिल्म गया किधर. मैंने बोला वो मशीन के अंदर ही है. बोला लेकिन किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है. क्योंकि वो इतना यूजफुल था काटने के लिए कि उसको लगा कहीं गिरा हो. उसको ये नहीं समझ में आया कि ये डिजिटाइज हो गया. इसी तरह आपको इसको समझना पड़ेगा, ये एक नई चीज है. अगर आप इसको पुराने मेजर से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन इतना सिंपल है, जैसे मैंने आपको ये मॉडल के बारे में समझाया, इतना ही सिंपल है. इसमें सब लोग कर पाएंगे इसको, क्योंकि जैसे ये कैमरा है, तो आज सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हमारी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कैमरा पे कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे ही अनरियल इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर कौन है. अगर पहाड़ चाहिए तो वो पहाड़ यशराज को भी देगा, धर्मा को भी देगा, कोई छोटे प्रोड्यूसर को भी देगा, सबको देगा वो पहाड़. ये है और उसके पैसे नहीं मिलते. विक्रम एक सवाल पूछते हैं, यू हैव इन्वेंटेड दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी. नॉट इन्वेंटेड, यू आर नॉट पेटेंटिंग ऑल्सो. नो नो, इट्स जैसे आई हैव सेड इन द ऑडियो विजुअल, इट इज मेड बाय, इट इज आल्सो ऑलरेडी यूज्ड बाय मैंडलोरियन. But I want to say something to all of you all, and we should be very proud as Indians
एंड आई वुड विश दैट हम लोग सब इसका डंडोरा पीटे. जुदा होके भी इज द फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड टू बी एंटायरली मेड वर्चुअली. फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड हम लोगों ने, मतलब बैटमैन ने, जो भी बैटमैन जो रिसेंटली दिखी है, थॉर ने, बहुत सी फिल्मों ने पोर्शंस किए, लेकिन टू शूट अ वन फिल्म एंटायरली इन वर्चुअल वर्ल्ड आज इज द फर्स्ट फिल्म. And as Indians, we should be proud and say this to the world that we beat everybody. Maine dekha film, it's wonderful. I couldn't tell Iman should told me that it's a short film in one single look, Borivali location. I couldn't believe it. 160 by 160. See, this, the train that you saw has been created inside the ocean. The sun that you saw that was coming through the trees is inside the ocean. The car that comes and stops in front of the house is inside. It's all there. All you need is to go there and claim it. Since you are the first person, can I put it this way, in India to make this complete film in this technology, in spite of that, how you are so selfless enough to allow others to make in future, you could have kept that full rights within yourself and not let anyone make this kind of film. Technology is like air. You can't grab it. You can't grab it. And if you trap it, you are stopping the flow of life. You know, you cannot stop the flow of life. And any director or any filmmaker who does not go out and help other filmmakers and his colleagues is not really a storyteller. Because storytellers are always selfless. Storytellers live for other people. Yes. It's like copyrighting the sunlight. You can't copyright sunlight. Charging, sorry? You'll be charging some fee for doing for the other people. Right? How much doing? But that is, seems like this. Let me explain to you. Say you want an airport. To shoot at an airport, you have to pay a deposit. And it is, I'm told that it is something like 2-3 lakhs an hour. Right? Yeah. If I'm giving you an airport at the cost of a mud island in Mangalore, is that charging for it or is that discounting the airport? You deserve it. You know? I'm not saying come to me if you want to make. If you don't want great visuals, if you don't want your film to look big, if you want to shoot outside, please do. But if you want to rise to the level of an international film, you need minimum production value. Hi, this is Sohail, your friend in Bollywood. Bahut bahut thank you, congratulations for this. Ek adbhut duniya, you can say. Juda hoke bhi, you know, being a first virtual entire film like it, puri hai. So, usko wo level ka, you know, usko, you know, logo tak kyun nahi lekar aa gaya? Because this is, as you said, like this is first in India, you can say. So, what was the reason behind that? Okay, ye us tak jis tarah se pahunchna chahiye tha throughout the country or maybe the entire world, us tarah se wo pahuncha nahi hai. So, I think there are bahut se logon ko yahan jo room mein baithe unko bhi is baat pata nahi hoga. Being from a media, I tell you the reason. My father is a DOP. So एक दिन छोटा था मैं, तो एक दिन उनसे नाराज हो गया. मैंने कहा पापा सब कैमरा मैन यहाँ वहाँ से लाइट देते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं, आप एकदम सिंपल शूटिंग करते हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिए कुछ टेढ़ा मेढ़ा. तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा जब ऑडियंस बोले ना क्या शॉट है, तो वो कैमरा मैन की हार है, क्योंकि दैट मीन्स द कैमरामैन इज टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी. यू शुड नेवर टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी. द स्टोरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट यू. सिमिलरली अगर हम लोग ऑडियंस को कहते हैं ये वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, सब लोग देखिए, तो वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वही खत्म कर दिया.
हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है। अब अगर आपको कह दिया कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है तो आप तो रियल वर्ल्ड कैसे समझेंगे उसको। इसलिए तो ये हमारा टेस्ट था, हमने चुपचाप रिलीज कर दिया। इसके पहले जो मीडिया इंटरेक्शन थे उसमें हमने बात की वर्चुअल वर्ल्ड की, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम लोग ये रिलीज के पहले करने वाले, लेकिन मैंने सतीश जी से कहा मत करिए, लोगों को पिक्चर देखने दीजिए एक स्टोरी की तरह, और फिर अगर वो लोग बोलेंगे ये फेक लग रहा है तो हमें सोचना चाहिए। तो अगर पहले से ही मैजिशियन ने बोल दिया कि अभी मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ, ट्रिक दिखाने वाला हूँ, और ये ट्रिक ऐसे होती है, और फिर आपको मैजिक दिखाया, तो क्या मतलब हुआ? विक्रम जी, मुझे और एक, जहाँ पर जब टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पर जो, जहाँ पर हमारे ये इंडस्ट्री, जहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं, तो यू नो इज इट रियली गोइंग टू अफेक्ट देम आल्सो? डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो यू नो मैन पावर कम हो जाते हैं, इट्स अ गुड साइन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि ये मिक्स्ड रियलिटी, पीछे एलईडी स्क्रीन है, आगे सेट्स हैं, तो आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे, सेट्स के लिए सेटिंग वर्कर चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि अभी जो सेटिंग वर्कर है उसके पास काम करना, क्योंकि आप बंगले में जाके शूट करते हैं, आप अब्रॉड जाके शूट करते हैं, जहां सब्सिडी मिलती है वहां जाके शूट करते हैं। इस तरह आप अपने इंडस्ट्री में शूट करेंगे, लाइट तो चाहिए, लाइट मैन आएंगे, स्टूडियो तो चाहिए, स्टूडियो चलेगा, सेटिंग वर्कर्स तो चाहिए, वो भी आएंगे। तो बल्कि हम तो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे की शूटिंग बॉम्बे में करेंगे और न्यूयॉर्क की भी बॉम्बे में करेंगे, वरना सब लंदन में ही तो चले जाते हैं। आज कौन सी फिल्म लंदन में शूट नहीं होगी, सब वहीं पे बैठे हुए हैं, उनकी वहां सब्सिडी मिलती है, वरना फिर यूपी चले जाते हैं। विशेष फिल्म यू नो बहुत वक्त हो गया, लंबा वक्त हो गया, कोई फिल्म नहीं आई मतलब वहां से, तो लगता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर विशेष फिल्म से भी यू नो देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स विच विल बी कमिंग आउट एनी प्लान? यार डेफिनेटली यही विशेष है, यही विशेष है, विशेष की बात करते हैं। सर और सब जानता है तू, मतलब बहुत खुशी की बात है, नारा बनने जा रहे हो, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ विक्रम की बात, एक दूसरे की, सतीश जी एक बहुत ही हाई प्लेस ऑफिशियल एटलीस्ट के कोई एक मुल्क है, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि साहब आप आइए, हम आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव टर्म्स देंगे, आप आके यहाँ शूटिंग कीजिए, हमारा जो स्प्लेंडर है, हमारे डेजर्ट्स हैं, हमारे ये हैं। उन्होंने कहा जरा अपने माइंड को रिकैलिब्रेट कीजिए, उस जमाने चले गए, हम बोरीवली में बना लेंगे सभी। तो वो चौंक गया। ये विक्रम जो कहा कि जो एक वर्कफोर्स को प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर कि हमारे चंद टेक्नीशियन और की आर्टिस्ट को लेके आप बाहर चले जाते थे, शूटिंग वहाँ होती थी। अब जब हम यहाँ शूटिंग करेंगे, अभी नया वाला स्टूडियो बनेगा, तो हमारा वर्कफोर्स जो है उसको काम करेगा। और बाकी आपका जो सवाल है, बड़ा घसा पीटा पुराना सवाल है, जो बहुत खोल चुका हूँ, तो उसमें मैं जवाब नहीं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सॉरी, कि 1 अगस्त को हमारा स्टूडियो ओपन हो रहा है, स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड, 4 बड़े फ्लोर्स हैं, नहीं सर में 4 बड़े फ्लोर्स होंगे, 4 बड़ी एलईडी सिस्टम्स होंगे, एट वन टाइम 4 फिल्म्स कैन शूट साइमल्टेनियसली, एंड दिस इज सतीश भाई ड्रीम। सतीश भाई ने अकेले मेरी मदद के बगैर, मैं जुदा होकर भी मैं बिजी था,
उन्होंने ये स्टूडियो खड़ा किया है जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर छोटी छोटी फिल्में वो वहाँ प्रोड्यूस हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल सवाल है सर, जैसे आप ये वर्चुअल बना रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट पे क्योंकि ये भी वर्किंग ऑन द मूवी है, मूवी का एक स्टोरी लाइन आपके ऊपर आता है और उसके ऊपर आप हाउ मेनी डेज एंड हाउ द बजट विल बी वर्क ऑन दैट। तो देखिए स्टोरी लाइन पे है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनाना मुश्किल नहीं होता, कुछ तो एसेट्स मिल भी जाते हैं हमें, जैसे आपकी एक मॉडर्न सिटी की कहानी है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरी बेटी जो बना रही है 1920 तो उसे चाहिए था एक गाने के लिए, क्योंकि 1920 में गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा और ताजमहल होटल बन चुकी, तो शी सेड पापा आई वांट टू शूट अ सीन व्हेन ताजमहल होटल इज बीइंग मेड एंड ताजमहल गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड एंड ताजमहल होटल इज देयर। मैंने कहा कि बेटा मेरे को एक आधा अधूरा सा गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा इसलिए, या बट इट्स वर्चुअल नो, तो हमने एक्चुअली बनाया है, इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल सी द गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड, इट्स हाफ मेड, बैम्बू वैम्बू लगे हुए हैं, ताजमहल होटल पास में और सामने लव सीन चल रहा है, दिस इज द पावर ऑफ अनरियल एंजन। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो आपके लिए मतलब व्हाट आई वुड से मेड टू ऑर्डर, देन यू हैव टू मेक इट, अदरवाइज अगर आपको पहाड़ चाहिए, रास्ते चाहिए, पेड़ वेड़ चाहिए, फल चाहिए, तो वो तो है ही, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट दैट हाउ मच हाउ मेनी मैन आवर्स आर यू गोइंग टू यूज ऑफ द टेक्नीशियन टू क्रिएट दैट। सर मैंने सुना है कि इसमें इवन हीरो या हीरोइन अगर आपको चाहिए, अगर मे बी बहुत ही बड़ा स्टार है दैट वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आकर, अरे वाह, वी कैन क्रिएट दैट प्रोसेस। आई हैव डन दैट इन द वर्ल्ड, कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे एक्टर्स को मैंने एनिमेट किया, एक्टर्स थे ही नहीं। मेटा ह्यूमन इज द लेटेस्ट अनरियल इंजन थिंग, ऑल यू नीड इज अ पिक्चर ऑफ द एक्टर एंड यू कैन पुट इट ऑन द मेटा ह्यूमन एंड यू डोंट नीड द एक्टर फॉर द वाइड शॉट, इट्स हैपनिंग माय फ्रेंड। आजकल ये पैन इंडिया मूवीज चल रही है सबको, सर तो ये जब हम बनाते हैं बनाओगे मूवी क्या ये मल्टी लैंग्वेज में हो सकती है? हमारी फिल्म देखिए ये मैं आपको बात बताऊं, अनरियल इंजन ये वर्चुअल वर्ल्ड एक शूटिंग करने का जरिया है, एक छोटी पिक्चर को बड़ी या एक स्पेशल लोकेशन पे शूट करने का जरिया है, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं इंजन बना जो कहानियां बनाता है, कहानी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, इंसान का दिल बनाता है कहानियां, हाँ वो कहानियां यहाँ रहती हैं। तो जब आप कहते हैं कि कितनी लैंग्वेज में बन सकता है, हजारों में बन सकता है, मगर कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हजारों के पास जाए, ये टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, ये कहानी कर सकती, लेकिन डबिंग होता है नहीं, नॉट रियली, अब डब तो कोई भी फिल्म को कर सकता है, जो एक्चुअल में बनी है वो भी तो फिल्म डब हो सकती है, किसी भी फिल्म को डब कर सकते हैं आप, वर्चुअली बनी फिल्मों से और डबिंग से कोई लेना देना। आई थिंक ही इज मेंटली लेफ्ट फॉर वन, आई थिंक लेट द माइक रिमेन इन हिज हैंड। नहीं बट सर इसके बारे में वेल इट डील्स विद one of the major menace of which has been the albatross down the neck of man, which is human trafficking, and I think we have not yet woken up to the enormity of the problem and how everybody who is a somebody is involved to encourage and perpetuate this human trafficking where human beings are trafficked for profit, for pleasure. Human being has become a toy, khilona. Khilone titles liye hai. Jab insaan ki augaad ek khilone ki ho jati hai. Ek bahut hi moving kahani hai of a girl who is in the heart of
how she grapples, exposes, and deals with it, and gives you a kind of a fairy tale ending, but tells you that this is the end of this story, but the problem is still there. Just because I have fought one battle and won it, that doesn't mean the war is over. The war is going on. I think it was one of the very, very important films. That's why Vikram is making it. He's also making it in English. And as Satish ji said, we are not going to restrict our gaze to 9,000. We're going to increase it to 1.5 lakh theaters. We will reach with our technology and our ability to tell stories to dada jurat karke bade sapne dekhne ji. Let us have outrageous dreams. There are dreams you have. Sapne bhi agar chote dekhe to dream big. There's a difference between a visionary and a dreamer. A dreamer just dreams. I have on my right and on my left two people who have given those dreams form. They have birthed those dreams in actual reality. He has created Judahoke in the worst time of human history, COVID, and he has had the vision to see our first communication and come and say, I will back this vision because it is not only good for India, but it is going to be a global phenomenon. So thanks to these two gentlemen, one on my left and the other right, that we are boasting about what we have. When you have the information given to the audience in advance that this is a virtual short, like especially songs shot on locations, so when they are watching it, if you don't tell them, they will probably enjoy it more. But if you share with them in advance that this is done virtually, back of their mind they know that this is done in a virtual the process. So do you think it might affect the audience, because they might feel that they have actually not gone on location, ye to studio mein hua hai. Will it snatch away the authentic reality of an actual location? See, right now we are talking about virtual reality. Lekin jab ye daur aur bhi chalega, aur bhi filmen banengi in virtual world, to har aadmi to virtual reality nahi bhulega. अभी हम सब जानते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स होता है, कभी खराब होता है तो हम कहते हैं ये बड़ा खराब है, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन फिर भी फिल्म एंजॉय करते हैं. आज आप एवेंजर्स देखते हैं या कोई भी अंग्रेजी फिल्म देखते हैं तो आप जानते हैं ना कि ये जो मार रहा है ये स्पेशल इफेक्ट है. 2012 में अगर पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है और पूरा न्यूयॉर्क सिटी नीचे गिर रहा है तो आप ये तो थोड़ी मानते हैं कि ये एक्चुअली किया होगा क्या, कि न्यूयॉर्क को उड़ाया होगा. तो आप जानते हैं स्पेशल इफेक्ट है, बट व्हाई डू यू बाय इट? बिकॉज योर स्टोरी टेल्स यू बाय इट. दिस इज द स्टोरी ऑफ बाय इट. एलियंस हैव कम और उन्होंने अटैक किया न्यूयॉर्क पे और अभी हमको बचाना है, सो बाय इट. ओके आई बाय इट. तो ये है पावर स्टोरी टेलिंग. So I will say that virtual production is the greatest tool of storytelling. Somebody told me something very important when Abbott came. जब Abbott ने प्रवेश किया था हमारे लैंडस्केप में और स्ट्रीमबैक एडिटिंग होती थी, साउथ में उसका एक सेमिनार था एंड Abbott मैन्युफैक्चरर्स हैड कम साउथ इंडिया टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ Abbott, क्योंकि Abbott को उस दौर में उस नजर से देखा जाता था कि जैसे वो आके लोगों की रोजी छीन लेगा और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ये लुक्ड अपॉन एज अ थ्रेट. तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो अमेरिकन था, उसने कहा था टेक्नोलॉजी नो व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट बॉर्न ऑफ यू. Something that's born after you, you call the technology. जैसे हमारे बच्चे जब पैदा हुए तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कभी एक जमाना था जब आपके पास टेलीविजन नहीं था या सेलफोन नहीं था. They can't imagine of a world like that.
So this is a technology which is birthed now, this is post-COVID technology. But in a matter of time, this generation that will be born 10 years from now, 5 years from now, they will say this is a privileged currency that we can use. मगर हमको जिस तरह हमारे माँ बाप जो है फोन पे बात करते थे हेलो जोर से आवाज पहुंच रही है तो जैसे आई डोंट यूज माई सेल फोन एज इफेक्टिवली एंड एज ब्रिलियंटली एज आलिया डज और शाहिन डज और पूजा डज देयर इज ब्रिलियंट द बॉडी लैंग्वेज इज काइंड ऑफ स्टिच टू इट आई थिंक विक्रम इज अ पर्सन whose body has taken to the Unreal Engine and to this technology. And I, as a story content creator, am his support system to create the story fuel while he is immersed fully in the technological leaps that need to be taken. That's the magic that we have. वर्चुअल वर्ल्ड एज ए डायरेक्टर आपको एक आजादी देता है तो फिल्म डायरेक्टर को आजादी कितनी महसूस की थी आपने क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट भी की है और तो ये आजादी का कितना आपको जो है एहसास हो रहा है आजादी का एहसास तो आज हो रहा है क्योंकि जब ये सफर शुरू किया था तब तो बैंड बजी हुई क्योंकि लगा कि अगर ये फेल हुआ ना तो गए काम से रात रात भर जागते थे लोगों को शॉर्ट भेज के बोलते नहीं थे कि ये रियल है कि नहीं कभी कभी जवाब आता था ये तो बड़ा एनिमेशन लगता है फिर वापस काम करते थे तो आज हम ही नहीं मानते थे हाँ और लोग लगाते भी थे यार आउटडोर चले जा विजनरी जो है बहुत तनाव चलता है ना बड़ा तनाव चल रहा है मुझे याद है कि मिक्सिंग के टाइम पे 6 नंबर की रील थी उसका पूरा जो है काम हुआ नहीं था तो मैं 6 नंबर की रील थी उसको मिक्सिंग के लिए शूटिंग करता था वहां पर काम करता था तो मुझे भेजता था जाकर भट्ट साहब आप जाके मिक्सिंग कर लीजिए फिर मैं आके देख लूंगा जो अगर कुछ करना हो तो मैं गया 5 नंबर तक मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत करेक्ट थी बिल्कुल आंखों को भी ठीक थी मैं और मेरे एसोसिएट शुरू हम लोग गए 6 नंबर देखने के लिए और जान निकल गई मैंने बोला ये तो जितना समा बंद था वो तो बर्बाद हो गया बिल्कुल और संडे का दिन था मुझे लगा कि अब ये जाके वहां पर आराम से देखेंगे फिल्म मिक्सिंग में थोड़ा सा हम अपना रोप जानेंगे विक्रम को बोलेंगे अच्छा है चलाएंगे वहां से फिर हम भागे बोले बिली ये काम कर रहे थे जब तक इसने दिखाया नहीं कि क्या पक रहा है और वो इमेजेस वहां भेजे नहीं तब तक मुझे भी यकीन नहीं हुआ तो घर में भी आप एक स्ट्रेंजर की तरह चलते हैं जो विजनरी होता है ना वो बहुत तनाव चलता है तो आई एम सेइंग कि दिस इज अ जर्नी ऑफ अ विजनरी जरा लुक एट दिस यंग मैन इन फ्रंट ऑफ यू लाल उसके सफेद हो गए होंगे बट मेरे कपड़े में तो यंग है वो इसने कुछ कमाली कर दिया है ये आज नहीं कल यकीन होगा आपको उस पर कोई भी फिल्म रीमेक नहीं करनी जो भट्ट साहब कर सकते हैं वो सिर्फ भट्ट साहब कर रहे हैं और उसमें ज्यादा हो सकता तो you can't repaint Mona Lisa, you should just let it be. And try to make your own Mona Lisa if you can. So I think that should probably answer your question. Hi. Sir, we are from Mumbai, but is there any limitations or any limitations?
ऐसी हर टेक्नोलॉजी में रहती है कुछ ना कुछ, कुछ लिमिटेशंस है या लिमिटेशन ये है कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन जो है वही लिमिटेशन प्रॉब्लम ही है। अब कल मुझे कोई मिलने आया था तो उनका इमेजिनेशन जो है वो वहीं अटका हुआ है, बॉम्बे के सड़कों में। अरे आप बॉम्बे बना सकते हैं? बोला बॉम्बे तो बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, आप न्यूयॉर्क चाहते हैं क्या? तो आई थिंक वी आर लिमिटेड, बट साहब ने कहा वी आर लिमिटेड बाय आवर इमेजिनेशन बिकॉज दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द अनरियल। ग्रेविटी ऑफ द पास्ट, अतीत का एक अपील ग्रेविटेशन बोल रहा है, आप अपने पास्ट के पिंजरे में बंद होते हैं। तो ये मुझे ये बार बार आपके राइटर्स रूम में कहता था साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपके साथ मैं असिस्टेंट रहा हूँ, मैंने सीखा है आपके साथ में, आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जहन को खुला छोड़ दीजिए। वो तंगी जो हमारे दौर में थी वो अब तंगी हमको परेशान करना नहीं, जब हम क्रिएट करेंगे। अब आप बेझिझक सोचिए कि ये सीक्वेंस जो है कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे तो जेब पे डिपेंड था कि हम लोग शूटिंग करते थे नाइट में तो हम कैमरा पैन नहीं कर सकते थे, कैमरा पैन करते क्योंकि ज्यादा लाइट चाहिए होती, लाइट चाहिए मतलब पैसा ज्यादा चाहिए, जनरेटर आएगा। तो गरीब सोवियत सोशलिस्ट इकोनॉमी में सफर शुरू किया है, मुल्क में परिवर्तन आया, हिस्ट्री में करवट ली, मगर ये जो एक लीप है ये आपने मुझे बार बार कहता है कि आप खुदा के वास्ते भगवान के वास्ते अपने जहन पर लिमिटेशन न डालें, आप एक ऐसी लीप लीजिए जो जिसमें आप समझे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस वॉज रिपीटेडली हिज रिक्वेस्ट टू एवरीबडी इन द राइटिंग ग्रुप। एंड आई वुड लाइक टू ऐड दैट आई वुड लाइक टू से इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हियर इज अ चैलेंज, give me a world that I cannot create, give me a shot that I cannot do. thank you baad mein pareshan kar liye तो के भी तो पैसे देने पड़ेंगे। तो आप लॉन्ग शॉट में चला सकते हैं लेकिन जो एक्टर करता है वो एक्टर करता है। वी शुड नॉट अंडरमाइन एनीबडीज no and influence on a piece of work. That's why I'm saying right from the setting worker to the A-list actor, everybody is important, very important. So here I would like to say, you know, from a parting note, ye stage pe teen log baithe hain, technology, stories and vision, and that's how I see the three of us. That's my party name. And Alia Bhatt can be. Thank you. Question nahi hai. Yahi to main question hai.